रे माँ का सब फोन। हाँ माँ। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो ना? हाँ बस ऑफिस के लिए निकल रही थी अभी। हाँ हाँ बस नाश्ता कर लिया, खाना ऑफिस जाके खाऊंगी। हाँ मैं ठीक हूँ। माँ चल ठीक है, मैं है ना आके करती हूँ ऑफिस से बात, अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ। ठीक है हाँ फिर आके बात। भैया आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ तो वो अपनी काम वाली है ना, मैंने उसको आज कपड़े चेंज करते हुए देखा, और वैसे नॉर्मल कपड़े चेंज नहीं किया क्या भैया, पहन के तो कुछ और आई थी घर से, और यहाँ पे उसने ऑफिस वाले कपड़े पहन लिए, और मुझे उस पर एक बात का और भी शक है कि वो शायद हमारी कंपनी में जासूस बन के आई है। जरा कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकती, तुम अच्छे से जानता है। नहीं ऐसा तो नहीं, वो हमारी कंपनी की जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है किसी और कंपनी को बेच रही हो, उससे तो हमारी कंपनी बहुत लॉस में चली जाएगी भैया। मैंने कहा ना वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत नेक और ईमानदार है, और वैसे भी मैंने जो देखा गलत होने देखा होगा भैया, ना ही मैं आपको झूठ बोलूँगा। अगर तुम्हारी बात में 1% मुझे चाहिए तो उसका मतलब हमारी कंपनी में बहुत बड़ा घंटा उसको। हाँ भैया एक काम करते हैं, देखते हैं। छोटे तू क्या रखा, ये कुछ गलत कर रही है, तो काम कर रही है आराम से। अच्छा एक काम करो, आपको लगता है गलत है अभी जैसा आपने बताया था अभी, हम उसको ऐसे बोल चलते हैं फिर देखते हैं। बात तो सही है फिर, ठीक है। तानिया हाँ जी, हमें ना कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं और आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, अगर कोई आए ना तो उसको अंदर ऑफिस में बिठा लेना। ठीक है सर। ठीक है ध्यान रखना। ठीक है सर। करी थी मामा, मैं ऑफिस में काम कर रही थी। तानिया हाँ। क्या है सब? ठीक है भैया, मैं क्या करूं आपसे? तानिया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और ये ड्रेस कैसी है तुम्हारी? और भैया की नोटिस किया आपने, ये फोन बात भी करी थी, ये पक्का किसी क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन सेल कर रही होगी हमारी कंपनी की। तानिया मैं तुम पे इतना भरोसा करता था और तुमने ये सब कर दिया। तब वो गाँव से मेरी माँ की वीडियो कॉल आ गई थी। अरे चुप करो, कितना झूठ बोलोगी, अब इन सब के बीच में अपनी माँ को लेके आ रही हो। मेरी माँ है ना गांव में है, मेरी पूरी फैमिली गांव में है, और वो बीमार है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मैंने घर पे ये बता रखा है कि अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। तानिया अगर ऐसा था तो तुम हमें बता सकती थी, हमने तुम्हें कभी मना नहीं किया है, और हमारी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय ऐसे झूठ बोले ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और तानिया तुम तो जानती हो मैंने तुम्हें कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया है, तो फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? और सर एक काम करना, आज के बाद इसका चार डिपार्टमेंट में दो, ठीक है? ठीक है, आज हम पांच पोस्ट बढ़ा देते हैं। वैसे भी ये एजुकेटेड है, ग्रेजुएट तो कंप्लीट है ना, तो उस हिसाब से तो अच्छे पोस्ट में चाहिए। मैं एचआर से बात करता हूँ। लेकिन तानिया एक बात याद रखना, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अगर तुमने इसके बाद कुछ ऐसा किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। गलती होगी साहब, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा।